जल संरक्षण के लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कोने में चल रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जन भागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में समाज के हर तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया। अब राजस्थान के जालौर जिले को ही देख लीजिए, यहाँ की दो ऐतिहासिक बावड़ियां कूड़े और गंदे पानी का भंडार बन गई थी। फिर क्या था, भद्राजू और थानवाला पंचायत के सैकड़ों लोगों ने जल शक्ति अभियान के तहत इन्हें पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। बारिश से पहले ही वे लोग इन बावड़ियों में जमे हुए गंदे पानी, कूड़े और कीचड़ को साफ करने में जुट गए। इस अभियान के लिए किसी ने श्रमदान किया तो किसी ने धन का दान, और इसी का परिणाम है कि बावड़िया आज वहां की जीवन रेखा बन गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल संचय और जल संरक्षण पर किए गए अपने स्वयं के या अपने आसपास हो रहे प्रयासों की कहानियां फोटो एवं वीडियो #जलशक्ति4India उस पर जरूर शेयर करें।